हेलो एवरीवन माय नेम इज सुमित कुमार राणा आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन रेतुनेस सो टुडे दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड ईएमआई का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है दैट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ओके व्हाट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देखो आपने पढ़ रखा है दैट अबाउट द मैग्नेट और अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट उसके आसपास में जो उसकी इफेक्ट प्रोड्यूस होती है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड तो ये टॉपिक जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वॉट इट मीन इट मीन्स दैट अर्थ इज़ अज मैगनेट ठीक है अर्थ एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट है क्लियर है ना और उसके आसपास में उसके अगल बगल में जो उसकी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अब जो मैं बोल रहा हूँ अर्थ बहुत ही बड़ा मैग्नेट है और उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये बात किन किन फैक्टर से प्रूफ होती है ठीक है मैंने क्या बोला अर्थ इज अ मैग्नेट ठीक है ह्यूज मैग्नेट एंड अबाउट इट और अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ठीक है अब देखो अब मैंने बोला दैट एविडेंस की मैं बात करता हूँ ठीक है वॉट आर द फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से दैट द अर्थ इज अ मैग्नेट एंड अराउंड इट देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड क्या एविडेंस है इसकी तो फर्स्ट एविडेंस है कि वेन एवर वी सस्पेंड वेन एवर वी सस्पेंड अ मैग्नेट इट एलाइंग इन द जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डिरेक्शन ठीक है देखो सपोज ये अर्थ है ठीक है ना दिस इज नॉर्थ पोल मीन्स विच नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल ठीक है जब आप मैग्नेट को सस्पेंड करोगे ना फ्रीली तो वो कुछ इस तरीके से क्या होता है अलाइन हो हो जाता ठीक है समझ रहे ना मेरी बात को कुछ इस तरीके से वो अलाइन हो जाता है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट अब जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे ना किसी थ्रेड में तो कुछ इस तरीके से वो अलाइन हो जाता है इस तरीके से जो अलाइन हो रहा है ना देखो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे हो रहा पर्टिकुलरली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे लाइन नहीं हो रहा कुछ पर्टिकुलर एंगल ऑफसेट हो जा रहा है ये ठीक है ना दिस ऑफसेट एंगल इज अबाउट 11.5 डिग्री और ये जो एंगल है ना ये ऐसा नहीं कि फिक्स है ठीक है बहुत टाइम के बाद ये एंगल चेंज भी होता है ठीक है ना और जो अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं ना वो भी कुछ कुछ बहुत ही लिटिल अमाउंट में वो भी चेंज होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम्स ठीक है कितने सालों के बाद ये होता है क्लियर है तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आप जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे वो तो नॉर्थ नॉर्थ साउथ जोग्राफिकलीरेक्शन सो, सो में क्या होगा वो अलाइन हो जाएगा तो ये होता है ये मैग्नेट में मूवमेंट हो रही है तो क्यों हो रही है बिकॉज ऑफ सम मैग्नेटिक फोर्स और वहां पे कौन है अर्थ है तो अर्थ के वजह से और अर्थ के पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट एविडेंस हो गया सेकेंड एविडेंस क्या है सेकेंड एविडेंस है ना वी ठीक है जब आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को ठीक है या आयरन को ठीक है आयरन को क्या करोगे ना अर्थ के अंदर उसे बरिड कर दोगे ठीक है ना तो आफ्टर लॉन्ग टाइम्स जब आप उसको निकालोगे ना किस डिरेक्शन में नॉर्थ साउथ डिरेक्शन में ठीक है जब आप नॉर्थ साउथ डिरेक्शन में उसे डाल दोगे ना तो वो जो आयरन था ना वो आयरन आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम टाइम्स ठीक है वो आप जब निकालने के बाद उसको देखोगे ना वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाता है ठीक है ना तो क्या हुआ यहां पे इंडक्शन हुआ मींस आयरन को आपने बरीड करा अंडर द अर्थ इन नॉर्थ डिरेक्शन ठीक है तो उसमें इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी आ गई प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट याद है मैंने एक्सप्लेन करा था तो वो वाली चीज आ गई थर्ड ठीक है न्यूट्रल पॉइंट्स ठीक है जब अर्थ सरफेस पे कहीं पे भी मैग्नेट रखा हुआ ठीक है बार मैग्नेट सपोज आपने रखा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो ना तो आपको दो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं ठीक है तो जो दो न्यूट्रल्स पॉइंट मिल रहे हैं ना वो न्यूट्रल पॉइंट मीन्स वो शो कर रहा है कि बार मैग्नेट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड है कोई दूसरा है जो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है दैट्स वाई वहाँ पे क्या हो रहा है न्यूट्रल पॉइंट ऑप्टेन हो रहा तो ये न्यूट्रल पॉइंट क्यों भी बताता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है ठीक है फोर्थ पॉइंट देखो अर्थ में किसी पॉइंट में भी किसी पॉइंट पे भी आप अगर मैग्नेटिक कंपास को लेके जाओगे ना तो निडिल अलग अलग डिरेक्शन में वो क्या करेगा डिफ्लेक्शन शो करता ठीक है ना अगर सपोज मान लो किसी पॉइंट पे मैंने लेके गया ना मैग्नेटिक मैग्नेटिकल को तो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करेगा ठीक है कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करेगा तो ये जो मैग्नेटिक निडिल है ना कुछ अगर दूसरे पॉइंट पे मैं लेकर गया तो कुछ इस तरीके का डिफ्लेक्शन ठीक है कहीं और दूसरे पॉइंट पे लेकर के गया तो कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन शो तो करेगा तो देख अलग 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 पॉइंट पे तरीके का मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन शो करता है अर्थ के सरफेस पे तो ये क्या है मैग्नेटिक निडिल जो अलग अलग डिफ्लेक्शन शो तो कर रहा है मैग्नेटिक निडिल ठीक है या बोल सकते हो मैग्नेटिक कंपास की जो निडिल है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है तो कहीं पे फील्ड की हो रही है स्ट्रेंथ या डिरेक्शन में चेंज आ रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है ये मिडिल निडिल जो है मैग्नेटिक कंपास की वो अलग अलग तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है ठीक है ना तो ये भी सजेस्ट करता है कि अर्थ के सरफेस पे आप मतलब सपोज मान लो आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इक्वेटर से ठीक है ना दिस इज इक्वेटर टू पोल जाते हो ना तो मैग्नेटिक निडिल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ठीक है ना किस तरीके की डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ये मैग्नेटिक निडिल यहाँ पे होरिजेंटल एक्सिस से होरिजेंटल एक्सिस से जीरो डिग्री एंगल पे रहता है ठीक है और यही वर्टिकल एक्सिस और ये इक्वेटर की बात है यहाँ पे अगर मैं पोल की बात करूँ तो पोल में क्या होता है ये वर्टिकली हो जाता है ठीक है यहाँ पे जीरो डिग्री डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे नाइन्टी डिग्री का डिफ्लेक्शन होता विथ होरिजेंटल एक्सिस ठीक है ना तो इस तरीके से हमने तीन चार पॉइंट्स को देखा चार पॉइंट के बेसिस पे हमें एविडेंस मिला प्रूफ मिला दैट अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना तो ये बात तो हो गई कि अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नाउ सेकेंड थिंग इज एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या एलिमेंट होते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की उसकी डिस्कशन अपन करते हैं ठीक है तो फर्स्ट एलिमेंट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन ठीक है विच इज डेल्टा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन व्हाट इज दिस एंगल ऑफ डेक्लिनेशन देखो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है ना अभी मैं बोला दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ पोल देखो साउथ पोल को ना मैं नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को ना एन जी से मैं लिख रहा हूं ठीक है ध्यान रखना आप एन जी नॉर्थ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ पोल geographical साउथ पोल अब क्या हुआ था अब देखो समझना मेरी बात को अब हुआ क्या था ना कि जब आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किए थे अब जब आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किए थे तो हुआ क्या था मैग्नेट कुछ इस तरीके से अलाइन हो गया था ठीक है मैग्नेट कुछ इस तरीके से एलाइन हो गया और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल था टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल था और मैग्नेट का जो साउथ पोल था टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल साउथ पोल था ठीक है इस तरीके से एलाइन हुआ तो मैग्नेट इसी तरीके से क्यों एलाइंग हुआ मैग्नेट इस तरीके से क्यों एलाइंग हुआ क्योंकि देखो मैग्नेट का अभी मैंने ये ऊपर से एक मैग्नेट को सस्पेंड करा ये मैग्नेट यहाँ पे कुछ साउथ पोल होगा यहाँ पे कुछ नॉर्थ पोल होगा मेरी बात समझना ठीक है देखो मैं हैचिंग लाइन से बना रहा हूँ ठीक है ये साउथ पोल होगा ये नॉर्थ पोल होगा तभी जा करके ये सपोज मान लो ये वाली ना ये वाली मैं ले रहा हूँ अर्थ की नॉर्थ पोल और साउथ पोल ठीक है देखो समझना मेरी बात ठीक है इसको हटा देता हूँ अच्छे से समझना अभी क्या है अभी मैंने सिर्फ अर्थ का सर्फ अर्थ का एक डायग्राम बनाया जिसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बनाया अब देखो मेरे पास ये बार मैग्नेट है ठीक है ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है ठीक है ना ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो देखो या ऐसे इस तरीके से देखो सपोज ये बार मैग्नेट है ठीक है ना येलो कलर वाली क्या है नॉर्थ पोल है और ये ब्लैक वाली क्या है साउथ पोल है अब जैसे मैं इसे सस्पेंड करूंगा ये नॉर्थ पोल ठीक है अब जैसे मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करूंगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये तो ये ये बार मैग्नेट तो नॉर्थ पोल पोल और साउथ इस तरीके से क्यों आया क्योंकि ये बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल था ना वो अर्थ का साउथ पोल के पास आ गया दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है ना मतलब अर्थ का जो साउथ पोल है वो कुछ यहां पे होगा तभी ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींच लिया तो ये अर्थ का साउथ पोल है और ये अर्थ का नॉर्थ पोल है मीनस अर्थ जो मैग्नेट है ना अर्थ मैग्नेट है ना अर्थ के जो पोल है ना मैग्नेटिक पोल वो नॉर्थ पोल नीचे में है और साउथ पोल ऊपर में तभी आपका बार मैग्नेट ऊपर नॉर्थ में आता है और साउथ में आता है तो अर्थ से मैग्नेटिक ऑफ फोर्स निकल रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से निकल रहा होगा। देखो ठीक है ना कुछ इस तरीके से नॉर्थ से निकल रहा साउथ में जा रहा नॉर्थ से निकल रहा साउथ में जा रहा क्लियर है ना मेरी बात ठीक है तो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा एंड दिस इज दैट एक्सिस ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ठीक है और ये क्या है ये ये ज्योमेट्रिकल पोल है एंड दिस इज मैग्नेटिक ठीक है ना तो ये मैग्नेटिक पोल हो गया और ये ज्योमेट्रिकल पोल हो गया तो देखो ये तो क्लियर हो गया ना क्या ऐसे मैं किया हूं। अब यहां पे एक ड्रॉ किया समझना मैग्नेटिक पोल ठीक है कुछ ये पॉइंट होगा मैग्नेटिक पोल ठीक है ना अब देखो मेरी बात को समझना ठीक है मैं क्या बोल रहा हूं अब मैं बोल रहा हूं ना कि प्लेन प्लेन का मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास कोई इस तरीके का प्लेन पेपर एक समझ लो ठीक है प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ या ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अ प्लेन विच इज पासिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड ज्योग्रफिकल मेरेडियन देखो ये एक्सिस है ना ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का इसके एक्सिस से जो प्लेन पास कर रहा ठीक है दैट प्लेन ठीक है प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मरीडियन ठीक है ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल मरीडियन ठीक है ना देखो द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ठीक है उसके एक्सिस से जो प्लेन पास कर रहे हैं ना दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन ठीक है अब देखो हमारे पास ये मैग्नेटिक पोल है ठीक है तो मैग्नेटिक पोल के जो एक्सिस होंगे ना उस एक्सिस से जो प्लेन पास होगा उसे बोला जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन ठीक है क्लियर है ना जो मैग्नेटिक पोल है उसके एक्सिस पोल की जो एक्सिस है उस एक्सिस से जो भी प्लेन पास होगा दैट प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन अब देखो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मैं लिखा हूं तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मरेडियन ठीक है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मरेडियन ज्योग्राफिकल मरेडियन इस तरीके का प्लेन और इस तरीके का मैग्नेटिक मरेडियन उनके बीच का एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन ठीक है जिसको मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया देखो डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी पॉइंट पे ठीक है ठीक है दिस इज ज्योग्राफिकल मरीडियन ठीक है एंड दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन ठीक है इनके बीच का जो एंगल है ना डेल्टा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्लियर है ना जोग्राफिकल मरेडियन का प्लेन और मैग्नेटिक मरेडियन ठीक है दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्लियर है समझ आ गया होगा आई होप नौ ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया सेकेंड एलिमेंट दैट इज लिख लिए राइट डाउन सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट हो गया ठीक है ना फर्स्ट एलिमेंट क्या था एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेकेंड एंगल ऑफ इंक्ली इंक्लिनेशन ठीक है और इसे डिप एंगल भी बोला जाता है ठीक है ना सेम थिंग जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप एंगल ठीक है इसे डिप एंगल से भी रिप्रेजेंट करा जाता है एंड दैट इज थीटा तो ये डिप एंगल है क्या सपोज अर्थ ठीक है ना ये बेसिकली एंगल बताता ना कि अगर मैग्नेटिक कंपास विच इज़ फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन ठीक है अगर कोई मैग्नेटिक कंपास है इस तरीके से नहीं रोटेट होकर इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में वो फ्री है रोटेट होने के लिए ठीक है ना एक वर्टिकल एक होरिजेंटल प्लेन है ठीक है इस होरिजेंटल प्लेन में सपोज इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास रखे हुए और ये ऊपर नीचे इस तरीके से होने के लिए रेडी है होरिजेंटल कंपोनेंट और इस तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट में वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कंपास रोटेट करने के लिए फ्रीली सस्पेंड है ठीक है तो अब देखो अलग अलग पॉइंट पे ये जो डिफ्लेक्शन है ठीक है ये जो एंगल है दैट मैग्नेटिक कंपास जो मैग्नेटिक निडल जो बनाएगा विथ होरिजेंटल एक्सिस वो अलग अलग होगा ठीक है ना तो यही है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक नीडल विद द होरिजेंटल एक्सिस वेन इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल प्लेन ठीक है एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक निडल टू द होरिजेंटल प्लेन वेन इट इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन ठीक है ना तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की कोई मैग्नेटिक कंपास है जो कि वर्टिकल प्लेन में फ्री है रोटेट के लिए और जो बेसिकली आपको बताता किसी पॉइंट पे ऑन द अर्थ सरफेस मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन ठीक है ना तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं अभी मैंने बताया था ये क्या है अर्थ का साउथ पोल होता है ठीक है और ये अर्थ का नॉर्थ पोल होता है लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से निकलते हैं और इस तरीके से जाते हैं इस तरीके से निकलते हैं नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ पोल पे पेंटर कर रहे हैं नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ पोल पे पेंटर कर रहे हैं ठीक है ना इस तरीके का अब देखो ये तो मुझे पता ये जस्ट ऑफ सेंटर होता है बहुत ही छोटा सा एंगल से दैट इज 11.5 डिग्री ठीक है ये जो एंगल होता है ऑफ सेंटर जो होता है जस्ट 11.5 डिग्री का होता ठीक है बहुत थोड़ा सा 11.5 डिग्री आप समझ ही रहे कितना मिनिमम है और अर्थ बहुत बड़ा भी है ठीक है अब देखो अब मैं क्या बोला कि मैग्नेटिक कंपास ठीक है ये प्लेन ठीक है अब मैग्नेटिक कंपास को मैंने इस तरीके से कुछ रखा ठीक है वो इस तरीके से फ्री टू रोटेट मींस ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस तरीके से देखो इस तरीके से वो नीचे भी आ सकता है दिख रहा ना इस तरीके से नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है ठीक है इस प्लेन के ओरिजेंटल प्लेन के अबाउट ठीक है अब देखो अब होगा क्या जब आप अलग अलग पॉइंट पे लेकर के जाओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी ओरिजेंटल प्लेन से तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन क्या होगा अलग अलग होगा ठीक है ना अब देखो अभी मैं क्या बोला एंगल ऑफ डिप तो क्लियर हो गया अब यहां पे अगर मैं पोल की बात करूं ठीक है ना एंगल ऑफ डिप क्या हो गया ये ओरिजेंटल प्लेन है ठीक है ना सपोज मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरीके का है तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है ना दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप अब मैं क्या बोल रहा हूं समझना दो पॉइंट लिख रहा हूं एट इक्वेटर ठीक है इक्वेटर की बात करते हैं अब जैसे ये हमारा औरिजेंटल प्लेन होगा इक्वेटर के लिए अर्थ सरफेस से होरिजेंटल यहाँ पे अर्थ सरफेस है तो इसका ओरिजेंटल प्लेन यही होगा ठीक है अब इस इक्वेटर के पास मैं ले करके के जा रहा हूँ मैग्नेटिक कंपास को ठीक है मैग्नेटिक कंपास को लेकर के जा रहा हूँ तो वो कुछ इस तरीके से अलाइन होगा फील्ड के एलॉन्ग ही होगा ठीक है ना फील्ड के एलांग होगा तो देखो यही औरिजेंटल एक्सिस है यही आपका एक्सिस भी है और यही क्या है और इससे में ही क्या हो रहा है मैग्नेटिक कंपास कर रहा मींस यहां पे एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर क्या होगा जीरो हो जाएगा बट आप अगर पोल की बात करो ठीक है पोल की बात करो इस पॉइंट पे होरिजेंटल ये होगा ठीक है अब मैग्नेटिक कंपास क्या होगा फील्ड के एलोंग अलाइन करेगा ठीक है ना तो देखो फील्ड कुछ इस तरीके से है और मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरीके से ये होरिजेंटल लाइन ठीक है और ये एंगल ऑफ डिप तो यहां पे एंगल ऑफ डिप देखो ओरिजेंटल लाइन एंगल ऑफ डिप दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा 90 डिग्री बन रहा तो एट पोल एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री ऑलवेज रिमेंबर किस तरीके से क्यों हो रहा मैंने आपको ड्रॉ करके डायग्राम बता दिया ठीक है आई होप समझ आया होगा कि क्या मैं बोला हूं एंगल ऑफ डिप के बारे में कि होरिजेंटल एक्सिस से किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक निडिल की जो वर्टिकल एक्सिस में रोटेशन हो रहा है वो कितना एंगल बना रहा है दैट इज द एंगल ऑफ डिप क्लियर है चलो ठीक है लिख लिए ना दिख रहा है ना पॉज करके वीडियो को लिख लो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है देखो बेसिकली हमें जो कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये क्यों डिस्कस करने की नीड पड़ी इसे इंट्रोड्यूस करने की नीड क्यों पड़ी बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टेल्स अबाउट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ ठीक है ये जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड को अगर डिस्कस करना है डिस्क्राइब करना है तो हमें कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की नीड पड़ती है ठीक है तो देखो क्या क्या कंपोनेंट आते हैं सपोज मैं किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ ठीक है पॉइंट पी पे ऑन अर्थ सरफेस इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डिरेक्शन आया बाय द हेल्प ऑफ दैट मैग्नेटिक कंपास कम्पास ठीक है ना अब देखो दिस एंगल इज थीटा एंगल ऑफ डिप ठीक है एंड दिस इज होरिजेंटल एक्सिस दिस इज वर्टिकल एक्सिस मींस इस मैग्नेटिक फील्ड को होरिजेंटल कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा बी एच कॉस थीटा देखो बी या आप लिख सकते हो सिंपल दैट इज होरिजेंटल कंपोनेंट तो बी एच इक्वल टू तो बी है ना बी कॉस थीटा और ये वर्टिकल कंपोनेंट तो बी भी इक्वल टू बी, तो बी साइन थीटा अब देखो यहां पे क्या है बी भी इक्वल टू तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड का इसका दो कंपोनेंट हमने ब्रेक कर दिया और बी एच इज ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है एंड थीटा इज एंगल ऑफ लास्ट में डिस्क्राइब करा था एंगल ऑफ डीप है ना एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्लियर है ना ये थीटा हो गया अब बी इज मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ठीक है उसी का आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा और वर्टिकल कंपोनेंट देखा ठीक है अब देखो ये एंगल मुझे अगर कहीं पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा और वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा ठीक है ना अब मुझे क्या करना है ना और जेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट से ना मुझे इस एंगल थीटा नेट मैग्नेटिक फील्ड की एंगल को पता लगाना है तो कैसे पता लगाओगे देखो यहां से इस वाले को यहां से यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा ना कुछ इस तरीके का हो जाएगा देखो ठीक है ये क्या होगा बी भी और ये क्या होगा बी एच और यही थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता टेन थीटा इक्वल टू बी भी अपॉन बी एच ठीक है तो ये आ गया अब देखो कहीं पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा और वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना उस पॉइंट पे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी ठीक है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज़ करो क्या होगा यहाँ पे बी इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस टू बी एच बी वी कॉस नाइन्टी क्योंकि ये बी एच एंड बी वी के बीच में कितना एंगल है ये 90 डिग्री तो कॉस 90 इज जीरो तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो बी इक्वल टू क्या होगा किसी पॉइंट पे बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर तो दिस इज अगेन वन फॉर्मूला क्लियर है ना लिख लो वीडियो को पॉज करो लिखो साइड हो जाता हूँ मैं ठीक है चलो नाउ ये तो हो गया कंपोनेंट की बात तो इस तरीके से हमने इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को देखा उसमें एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देखा कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी हमने देख लिया नाउ दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अब इस पर एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं ठीक है देखो क्वेश्चन क्या दे रखा ना एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ एट एनी टू पॉइंट ऑन अर्थ the angle of dip is at any two point on earth the angle of dip is 30 degree and 45 degree at any two point on earth the angle of dip is 30 degree and 45 degree find out find out the ratio of horizontal component of जेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट वन टू टू ठीक है मतलब फर्स्ट के रिस्पेक्ट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ठीक है इनकी रेशियो कैलकुलेट करना वीडियो पॉज करो सॉल्व करो फिर आंसर मुझे बताओ क्या होगा देखो ये अर्थ है ठीक है अभी मैं बोला था कि ये जो एंगल ऑफ डिप है ना वो एंगल ऑफ डिप इक्वेटर के पास क्या होता है जीरो होता है और पोल के पास नाइन्टी होता है ठीक है थीटा में लिख देता हूं कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए थीटा क्या होता है जीरो होता है जीरो डिग्री होता है और थीटा यहाँ पे नाइन्टी डिग्री होता है एंगल ऑफ डिप ठीक है अब देखो ये जो थर्टी और फोर्टी फाइव है थर्टी कुछ इस पोजिशन पर होगा और फोर्टी फाइव कुछ इस पोजिशन पर होगा मीन्स दिस इज सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना समझ रहे हो तो कुछ इस तरीके का होगा अब देखो मुझे क्या करना है होरिजेंटल कंपोनेंट निकालना तो देखो किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो बी एच ये एंगल ऑफ डीप होता है तो बी एच इक्वल टू क्या होता है बी कॉस थीटा ठीक है और मुझे बी भी को नहीं देखना है क्योंकि बी एच मुझे पूछा है रेशियो ऑफ ओरिजेंटल कंपोनेंट ठीक है ना तो मेरे पास पॉइंट वन के लिए बी एच एट पॉइंट वन क्या हो गया बी कॉस थीटा के प्लेस पे क्या रखोगे थीटा वन ठीक है तो ये क्या हो जाएगा बी एच वन इक्वल टू बी कॉस ऑफ थर्टी डिग्री तो बी कॉस थर्टी की वैल्यू क्या होती है बताओ रूट थ्री बाई टू तो ये हो गया बी एच वन दिस इज फर्स्ट इक्वेशन अब उसी तरीके से आप निकालो सेकेंड पॉइंट पे दट इज बी एच एट टू दिस इज बी कॉस थीटा टू एंड दिस इज नथिंग बट बी कॉस 45 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 45 डिग्री बताओ वन बाई रूट टू दैट इज बी बाई वन बाई रूट टू ठीक है तो ये हो गया बी एच एट पॉइंट टू क्लियर है ना अब मुझे क्या करना रेशियो कैलकुलेट करना है ठीक है क्वेश्चन में यही बोला फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दैट बी एच वन टू बी एच टू ठीक है तो रेशियो देखो बी एच वन टू बी एच टू तो बी एच वन की वैल्यू क्या फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू बी रूट थ्री बाई टू अपॉन बी बाई रूट टू आप इसे क्या लिख सकते हो बी रूट थ्री बाई टू इंटू रूट टू अपॉन बी बी भी कैंसिल हो जाएगा दैट इज रूट सिक्स अपॉन टू क्लियर है ना तो दिस इज द आंसर। समझ आ गया? किस तरीके से सॉल्व करना क्वेश्चन रहेगा तो किस तरीके से करोगे अगर बी दे रखा तो बी एच पूछेगा एंगल दे रखा तो आप उस तरीके से बी एच की वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे कोई भी सारे सारे वैल्यू दे रखे होंगे एक वैल्यू मिसिंग होगा तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला में डाल के ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सो so, थैंक यू